ओके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज तो कहते हैं ना, जीवन में कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको डिकोड करना है ना, जैसे रिवर्स में देखते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो मैंने कहा जीवन का एक नया अध्याय चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो क्यों ना वहाँ से आपको बताया जाए जहाँ से जीवन की ही शुरुआत हुई थी। वैसे मेरी दादी माँ ने भी एक चाह प्रकट करी कि भाई हमारे जो पोते हैं उनकी शादी करा दी जाए, क्योंकि बड़े हो गए, मतलब उन्हें हाइट में बड़े दिख जाएं फिर उनके लिए बड़े हो जाते हैं। तो मम्मी ने देखा इधर उधर और फिर उन्होंने देखा कि यार सारे अप्स और डाउन में आपकी जो श्रद्धा दीदी थी वो हमेशा साथ रही, तो उन्होंने कहा इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएं। तो वो रिश्ता लेके गई श्रद्धा के पापा के पास। श्रद्धा के जो पेरेंट्स हैं, फिर उन्होंने थोड़ा सा समय लिया और उन्होंने रिवर्ट किया कि जी हमको लड़का पसंद है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो घर परिवारों ने मिलके एक डेट फाइनलाइज करी और वो डेट है एंगेजमेंट की, 21 फेब। पेरेंट्स की एक और ख्वाहिश थी कि इस चीज़ को स्पेशल कैसे करा जाए। तो आजकल जो शादियों का कॉन्सेप्ट है तो उसमें मैं सोच रहा था यार इतना ज़्यादा खर्चा वर्चा होता है, मतलब पुराने ज़माने में तो ऐसे डाउरी वाउरी सिस्टम भी चलता था, अब भी काफ़ी जगह चलता है जो कि बिल चलो। पर मैंने कहा क्या कैसा कुछ कर दें जिससे कि चीज़ यूनिक भी हो जाए, स्पेशल भी हो जाए, मेमोरेबल भी रह जाए, हमारे लिए वो मीन भी करती हो वो चीज़, राइट। और एक ऐसा मैसेज भी स्प्रेड हो जाए कि यार अगर कोई, कुछ लोग तो शौक से करते हैं खर्चा शादी के अंदर क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग मजबूरी में करते हैं तो एक नई चीज़ का थोड़ा थोड़ा मैसेज हर जगह से जाए तो वो फिर समाज में कुछ सालों में बदलाव दिखता है। हमने कहा हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी देखें तो क्या पता किसी के काम। तो 21 फेब से पहले एक कॉलेजेस के अंदर काफ़ी में सेमिनार्स थे और पंजाब पंजाब से ज़्यादा एनर्जी कहाँ है। हमने कहा एक सरप्राइज़ रखते हैं, आपकी श्रद्धा दीदी का पंजाब में था सेमिनार, उनको कोई आइडिया नहीं था। हमने कहा 13 फेब में जाते हैं, आगे 4-5 हज़ार बच्चे बैठे होंगे, एकदम से सरप्राइज़ करेंगे और कुछ मेमोरेबल हो जाएगा। हमारे बच्चे जिनके साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो सारे बच्चे सामने बैठे होंगे और स्पेशल हो गया, यूनिक हो गया, मेमोरेबल हो गया और कोई एक्सपेंस भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो केक भी था वो बच्चे लेकर आए थे, राइट। मतलब आप ऐसे गांव में बैठो ना बहुत अच्छा लगता है। हाय एवरीवन, तो आज है 13 फरवरी और आज हम आए हैं सेमिनार के लिए। तो होप करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिलेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और ज़्यादा अपनी जर्नी को थोड़ा सा शेयर करेंगे। हम बैक से चलते हैं। इन जनरल बताऊं तो हैकाथॉन हाय एवरीवन, कैसे कैमरा मुंह पे लगा दिए थोड़ा सा।
अरे अरे सब चीजें पहले हुई, सब बहुत बढ़िया सर। तो आप सभी लोगों ने एक बहुत प्यारा सा केक ये बनाया है। अरे वाह, दो लेयर भी है, टू इयर्स दो लेयर। ये थी न्यूज। अब दिल्ली से पंजाब आ रहे थे तो मैं सोचा यार एक मैसेज भी होना चाहिए। यहाँ पे जब आए तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है। तो जिन बच्चों ने पहले सुना होगा तो लाइफ के दो डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक डिसीजन जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो है कि आप करियर के अंदर क्या करते हो, और दूसरा डिसीजन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पार्टनर कौन है। अरे हाँ या ना? ये दो डिसीजन हमें स्वयं लेने चाहिए। अरे मैम तो आपकी एकदम साइड में चले गए। अरे आप भी कैसे बना है? अब देखो मैं तैयार तो बहुत कुछ करके आया था, ठीक है, पर अब मैं स्पॉन्टी पर आ गया हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो एक चीज है, एक मैसेज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। श्रद्धा मैम ने बहुत सारे बच्चों को कोडिंग सिखाई, बहुत सारे बच्चों की बहुत बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगवाई। आज हम भी एक छोटा सा कोड लिख कर लाए हैं। क्या हमें आपकी लाइफ में प्लेसमेंट मिलेगी? लोगों के बीच ही सेलिब्रेट किया जाए।
पहुंचे थे उनकी एनर्जी नंबर वन पे थी। अब एक चीज और यार, जब पहला वाला डिसीजन करियर वाला हो जाता है तो सेकंड में, अरे अरे मैं भूल जाऊंगा, तो ओम शांति ओम में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो मैं रट के आया था पर भूल गया हूं, तो जिस बताता हूं समरी कि अगर किसी चीज को अरे बोलने नहीं दोगे, और फिर इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी, कि अगर किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो पूरी कायनात कोशिश करती है कि आपको वो चीज मिल रही हो। अब यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब कहते हैं ना कि आप क्या विश कर सकते हो और उससे भी ऊपर की चीज हो जाए, कि श्रद्धा के पेरेंट्स उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया, तो ये और भी अच्छी चीज हो गई कि पहले पेरेंट्स कन्विंस हो गए और 21 फेब को, अरे अरे श्रद्धा कह रही है कोई कोई मेरी से डेट पूछ लो, अब हमने ऊपर लेवल पे बात पहले कर ली है, ये चलो ठीक। ट्वेंटी फर्स्ट फेब को एक फॉर्मलाइज इवेंट हुआ, डायलॉग में वो आगे बोलते हैं कि हिंदी मूवीज की तरह आखिर में एंडिंग अच्छी ही होती है, हैप्पी एंडिंग्स, और अगर अभी एंडिंग हैप्पी नहीं है तो पिक्चर अभी, बस यार मेरा पंजाब आना सफल हुआ, सेमिनार वेमिनार होते रहेंगे, अपना कॉलेज को आज 2 साल भी पूरे हुए के उपलक्ष्य में ये केक आप सबके समक्ष लाया। डीडी न्यूज मैं यूजुअली लक में बिलीव नहीं करती, बट व्हेन आई लुक एट अमन आई फील दैट आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। तो आज हम आए हैं पंजाब और यहां पर हमें मिले बहुत सारे बच्चे, को क्या है नहीं बता, अच्छा 21st को क्या है, अभी 21st को यही थोड़ा 21st को एंगेजमेंट है। तो एज पर टू माई बेस्ट नॉलेज मैं शायद अपने बैच का पहला व्यक्ति हूँ जिसकी शादी हो रही है, और मेरी एज है 25 और आपकी श्रद्धा दीदी और भी यंग है 23, तो उनकी भी गर्ल्स में शायद अपने बैच में सबसे पहले शादी हो रही है। मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था
और श्रद्धा दीदी तो और भी बाद में 2021 में ग्रेजुएट हुई हैं, पर फिर कुछ चीज़ों में टाइमिंग नहीं देखी जाती, मतलब वो आई गेस जिस टाइम पे वो होती है वही टाइम बेस्ट होता है। और फिर कहते हैं ना यार, जीवन में जो होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है, ये सोच के फिर आगे बढ़ा जाता है। और वही है यार, जीवन में दो ही डिसीजन इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको बताते हैं, वही खुद के जीवन पे भी इम्प्लीमेंटेड है। पहला, आप क्या करते हो, ज़रूरी नहीं है आप जो करो वो आपको पसंद हो, काफ़ी बार वो करना ज़रूरी है जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी होती हैं, जिससे हमारा हम पैरों पे खड़े हो पाते हैं। और दूसरा डिसीजन कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है, आप किसके साथ अपना बचा हुआ जो जीवन है वो फैमिली है वो करते हैं। तो और वो डिसीजन आपकी फैमिली को भी पसंद हो, वो आपको भी पसंद हो, तो उससे ऊपर बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। फिर टाइमिंग्स नहीं देखे जाते, बस यही है। आई विश आपको भी अपने जीवन के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिलें, और जीवन में सिर्फ भागने के लिए नहीं आए यार, सिर्फ रेस करने के लिए नहीं आए, सिर्फ किसी नंबर के पीछे भागने के लिए नहीं आए, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये बाकी तो आप खुद एक्सप्लोर करोगे ही अपने जीवन में, ठीक है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, बस मुझे ये चीज़ें आप मोमेंट आपके साथ शेयर करना था। बहुत खुश हूँ मैं, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक। மினுக்கி 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 கண்ணு வருதே அலையாட்டம்.